नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक छोटी सी बैकलॉग ऑफ वर्क्स, पेंडिंग वर्क्स, जो हमें ना जीने देते हैं ना हमें मरने देते हैं। इसका मतलब क्या है? कोई भी काम अगर हम कल पे छोड़ देते हैं और कल जाके उसको हम अटेंड नहीं करते हैं तो वो काम पेंडिंग लिस्ट में चला जाता है, और पेंडिंग लिस्ट में चला जाने के बाद अगर उसको आने वाले हफ्तों में या समय में उसको अटेंड नहीं करते हैं, कंप्लीट नहीं करते, फिनिश नहीं करते, तो क्या होता है, वो और भी बैकलॉग बन जाता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है, एक काम पेंडिंग हो जाता है, पांच काम पेंडिंग हो जाता है, 10 काम पेंडिंग हो जाता है, उसके बाद काम के बाद काम पेंडिंग होता रहता है। तो यही है बैकलॉग। ये जो बैकलॉग है हमारे लाइफ के एक बहुत ही बड़े कर्स है, बहुत ही बड़े शाप है। इस बैकलॉग को अगर द्रुत गति से यानी प्रायोरिटी से अगर उसको हम रिजॉल्व नहीं करते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि ये एक मॉन्स्टर की तरह, एक दैत्य की तरह हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वो मॉन्स्टर जो है धीरे धीरे हमारा दिमाग को खाते रहते हैं। वो जो पेंडिंग वर्क्स है या बैकलॉग्स है, मनी मन में हमें क्या करते हैं, हमको आगे बढ़ने में रोकते हैं, हमको कुछ प्रोग्रेसिव वर्क करने में रास्ते का कांटा बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही जो मॉन्स्टर है या दैत्य है वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है, उल्टा वो हमें नीचे के तरफ, हमें पीछे के तरफ पुल बैक करता रहता है। तब तक पुल बैक करता रहता है जब तक उसका इस पार या उस पार नहीं कर लेते, यानी उसका परमानेंट द एंड जब तक नहीं करते हैं तब तक आपका पीछा वो छोड़ते नहीं है। और क्या होता है, वो जो बैकलॉग एक बार अगर हमारा दिमाग में ऑक्यूपाई कर लेता है कि अरे यार वो काम बाकी है अभी तक किया नहीं, अरे यार वो काम बाकी है, अरे यार वो मैंने किया नहीं, अरे यार वो मैंने किया नहीं, उसमें क्या होता है, हमारे मन के अंदर में एक रेगुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, रेगुलर एक टाइमिंग ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अरे मेरे को वो काम करना था मैंने किया नहीं, अरे वो काम करना था वो किया नहीं, ये बैकलॉग है वो बैकलॉग है। तो अल्टीमेटली ये जो कॉन्शियस माइंड में हमारा जो सचेतन मन है उसमें ये जब रेगुलर कम्युनिकेशन होता रहता है खुद से खुद की, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। एक बार वो अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं तो क्या होता है, हम खुद को नकारा समझने लगते हैं, हम खुद को हेल्पलेस समझने लगते हैं, हम खुद को एक अनप्रोडक्टिव इनइफिशियंट पर्सन समझने लगते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो एक इम्प्रेशंस आ गया कि हमारा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी करने जाते हैं बैकलॉग क्लियर हो ही नहीं पाते। बैकलॉग हमारा मींस जो सक्सेस है उसको मिलने के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल्स बन के खड़े हो जाते हैं। एक बार अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए तब तो वो हो गया, क्योंकि दैट विल बिकम योर आइडेंटिटी कि तू तो नकारा है, तो तेरा इतना पेंडिंग वर्क्स। एक छोटा सा काम बिकॉज ऑफ दिस बैकलॉग प्रोक्रेस्टिनेशन, करूंगा 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 करते करते इतना बड़ा उसका रूप ले लेता है। कभी कभी तो इसका बहुत ही बड़े फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं,
बहुत ही बड़े पर्सनल इम्प्लीकेशंस होते हैं, तो बहुत ही बड़े सोशल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं, कभी कभी प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस भी बहुत उसका बड़े हो जाते हैं। उसका जो रेमिफिकेशन है, उसका जो मीन्स कॉस्ट है, बहुत ही बढ़ जाते हैं। मीन्स कभी कभी तो खुद का रेपुटेशन को दाव में रखते हुए हमें लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसीलिए ये जो छोटे साइज का जो पेंडिंग वर्क है, जो धीरे धीरे एक दानव का रूप ले लेते हैं, उसको हमें एक दानव के रूप में बढ़ने के लिए मौका नहीं देना है। कुछ भी करके समहाउ उसको कंप्लीट करना है, परफेक्ट नहीं करना है लेकिन फिनिश करना है। परफेक्शंस एक अलग चीज होता है एंड कॉम्प्लीशन एक अलग चीज होता है। अगर हम हर चीज को परफेक्ट करने के लिए लग जाएंगे तो परफेक्शंस का कोई लिमिट ही नहीं है। इन सच ए केस कभी भी कुछ भी काम हमारा कंप्लीट नहीं होगा, हमेशा इनकम्प्लीट रहेगा। उसके जगह पे, परफेक्शन के जगह पे हम अगर कॉम्प्लीशंस में ध्यान देंगे, चाहे वो 60% कॉम्प्लीट हो, चाहे वो 80% कॉम्प्लीट हो, या चाहे वो 90% कॉम्प्लीट हो, या चाहे वो 50% कॉम्प्लीट हो, लेकिन उसको कॉम्प्लीट अगर कर लेते हैं तो वो हमारे बैकलॉग लिस्ट में नहीं रहता है, जो आने वाले दिन में हमारे प्रगति के रास्ते में एक हर्डल नहीं बनता है। इसीलिए परफेक्शन के बारे में ना सोचते हुए हमें कॉम्प्लीशन के बारे में सोचना है, हमें एग्जीक्यूट करना है विथ 50% एक्यूरेसी, 70% एक्यूरेसी, 85% एक्यूरेसी या 90% एक्यूरेसी। अगर हम 100% एक्यूरेसी के लिए सोचने लगी तो कभी भी कुछ भी काम कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें, कंप्लीशन पे ध्यान दें, तो बैकलॉग नहीं रहेगा। और अगर बैकलॉग नहीं रहेगा तो हमारा जो वो जो दानव है, जो हमें बैकवर्ड खींचते हैं, पीछे के तरफ पुल करते हैं या नीचे के तरफ पुल करते हैं, वो दानव कभी भी हमारे दिमाग के ऊपर हावी नहीं होगा। और अगर हावी नहीं होगा तो हमें कोई कभी भी हमें हार्म नहीं पहुंचाएगा। प्लस हमारा हमसे जो एक टॉक है, हमारा हमसे जो एक बातचीत होता है, उस बातचीत में कभी भी पेंडिंग वाला, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, कल करेंगे वाला बात कभी भी ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। कोई भी काम अगर हम सोचते हैं करेंगे कल, तो वो काम हो जाता है टल, यानी टल जाता है। कोई भी काम अगर हम आज ही कंप्लीट करेंगे, जो काम को करते हैं आज, वो आने वाले दिनों में करते हैं दुनिया में राज। तो इसीलिए कोई भी काम को टालना नहीं है, समहाउ और द अदर उसको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है, एंड उसको पेंडिंग लिस्ट से हटा के कंप्लीट लिस्ट में डालना है। तो क्या होगा, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगा, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको वो डिमोटिवेट नहीं करेगा, डिमोरलाइज नहीं करेगा, आपको एक पॉजिटिव लाइफ के तरफ जाने में हेल्प करेगा। तो ये जो पेंडिंग लिस्ट वाला काम है, वो हमें somehow or the other, चाहे एक हफ्ता या एक महीने का एक्स्ट्रा इफोर्ट डाल के उसको कंप्लीट करना है, एग्जीक्यूट करना है, फिनिश करना है, लेकिन उसको परफेक्ट करने के पीछे नहीं जाना है। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन परफेक्ट करने के चक्कर में उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है, समहाउ और द अदर उसको फिनिश करना है, उसको कंप्लीट करना है विथ 60% आउटपुट सक्सेस या 80% सक्सेस या 90% सक्सेस।
तो आज का जो ये छोटी सी बात है, इसमें दो बातें आया है। एक है कि आज के काम को कल पे मत टालिए, नहीं तो ये आज का काम कल पे टलते टलते एक बड़ा सा मॉन्स्टर हो जाता है, एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है जो आने वाले दिन में हमारे प्रोग्रेस के रास्ते में बाधा क्रिएट करता है। दूसरा वाला बात ये है कि कंप्लीट करना है काम को, परफेक्शन के पीछे नहीं दौड़ना है। परफेक्शन का लेवल एक अलग लेवल है, जब वो आपका पेंडिंग लिस्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, आपका पेंडिंग लिस्ट जीरो रहेगा, देन आप परफेक्शन की तरफ फोकस कर सकते। तो आज का ये छोटी सी बात इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, हफ्ता शुभ हो, आने वाले समय शुभ हो। धन्यवाद।